अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि शादी का रिश्ता ढूंढने के वक्त लड़की की तस्वीर मांगना और लड़के की तस्वीर निकालकर लड़की वालों को देना कैसा, वजाहत फरमाइए। मोहम्मद सादिक रजवी, कर्नाटक। तो इसका जवाब ये है कि तस्वीर खिंचाना हराम है, जायज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, रिश्ता ढूंढने के लिए लड़की की तस्वीर मांगना या लड़की वालों को तस्वीर खिंचवा कर देना, तो उसके लिए तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी, जो हराम है। और इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इजाज़त दी, शरीयत में इजाज़त मौजूद है एक मर्तबा एक दूसरे को देखने की। तो जब देखना ख़ुद जायज़ है तो फिर तस्वीर की क्या ज़रूरत है। तो एक मर्तबा उसको देख लिया जाए ताकि इत्मीनान हो जाए और पसंद आती है या नहीं आती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं जिसको खेलने से पैसे मिलते हैं, तो क्या ये पैसे हलाल होंगे, जवाब इनायत फरमाएं। तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले तो इस तरह के गेम्स और खेल खेलना ही जायज़ नहीं है, और वो जो पैसे मिले वो भी हलाल नहीं है, क्योंकि ये जुए के हुक्म में है। तो इस तरह के गेम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि मैं छोटा सा कारोबार चालू कर रहा हूं और एक बंदा है जो माल सस्ते में देता है, लेकिन वो माल चोरी का है, लेकिन हम उसकी कीमत दे देते हैं, तो क्या ये सही है, रहनुमाई फरमाएं। तो इसका जवाब ये है कि अगर हमें मालूम है कि सामने वाला जो हमें माल दे रहा है वो चोरी का माल है या गसब का माल है, छीना हुआ माल है, तो उसका ख़रीदना जायज़ ही नहीं है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि कंप्यूटर की फील्ड में एनिमेशन यानी कि कार्टून वगैरह बनाना और उसका बिजनेस करना कैसा है। तो इसका जवाब यह है कि अगर वो एनिमेशन या कार्टून किसी जानदार के हैं और देखने पर साफ साफ मालूम होता है कि ये कोई जानदार है, तो उसका बनाना भी जायज़ नहीं है और उसका बिजनेस करना